करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार। कि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे यार मेरे भाई तू? तलवे चाटते चाटते के हिंदुस्तान को बेचने पे आ गए आप लोग। न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया अपनी एक वीडियो को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। वह उस वायरल वीडियो को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि मानो कि वह शराब के नशे में हों। ये वीडियो आप सबने देख ही लिया। आज की वीडियो में बात हम उनकी कुछ और मजेदार वीडियोस और डिबेट्स की करते हैं और साथ ही उनके साथ हुआ हादसे भी देखते हैं। एक वीडियो में दीपक चौरसिया लाइव आए और जनता से बात की। उस वक्त वह यह दिखा रहे थे कि वह निक्कर में है और न्यूज पढ़ रहे हैं। आप वीडियो देख खुद समझ जाएंगे। तो देखिए लॉकडाउन में कैसे काम करना पड़ता है, इसका एक नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। हमने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक इंटरव्यू मांगा, उन्होंने कहा कि देखिए आना जाना हेल्थ मिनिस्ट्री में संक्रमण का खतरा, सोशल डिस्टेंसिंग, दुनिया भर की चीजें। तो हमने उनको सवाल भेजे और उनका रात में फोन आया एकाएक कि मैं आपको जवाब वी ट्रांसफर पर भेज चुका हूं। लेकिन रात में शो करने स्टूडियो से वापस आने के बाद इसे सुबह 7:30 बजे चलना है, तो ऐसे में क्या करें। हमने ये किया कि टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है। देखिए लॉकडाउन के अंदर काम करना और काम करने का तरीका निकालना, वो भी इनोवेटिव तरीका निकालना, ये बिल्कुल अलग है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा। इसके अलावा दीपक चौरसिया शाहीन बाग आंदोलन में रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो वहाँ कुछ लोगों ने दीपक को रिपोर्टिंग करने से रोका। आप ये वीडियो भी देखिए। निकाल दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे भैया, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या हुआ? इसके अलावा न्यूज नेशन की बहस में हिंदू मुस्लिम होता देख सीपीआई लीडर ने दीपक चौरसिया को सुनाना शुरू किया, जिस पर दीपक भी चुप ही दिखाई दिए। एक घंटा हो गया तुम बकबक चौधरी कर रहे हो, अरे ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार, के हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए, न्यूज नेशन की डिबेट में एक्टर एजाज खान तारिक फतेह की कुछ बातों पर सहमत ना हुए और इन्हें बोलने लगे, जिस पर दीपक चौरसिया भी एजाज खान को रोकने लगे तो एजाज खान ने दीपक चौरसिया को सुना दिया। केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया, क्या आप इसको मौलाना साहब का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? सरकार से ये सवाल कर कि ये सारे के सारे इंडोनेशियन, ये साउथ अफ्रीका से, ये सारे जमाती, ये वीजा और ये पास करके देश के अंदर कैसे आए? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया, तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है, तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है। लेकिन फिर भी उन्होंने साफ साफ कहा को ये लड़वा रहा है और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी, चौरसिया साहब तू भी बोलेगा एक दिन कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे यार मेरे भाई तू? बहुत चैन से सोता है एजाज खान, दिक दिक करते रहता है मेरे भाई। हाल ही में न्यूज नेशन के एक प्रोग्राम में दीपक चौरसिया ने राकेश टिकैत का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में दीपक ने राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के चुनावों का हिस्सा बनने पर सवाल पूछा तो राकेश टिकैत ने उन्हें करारा जवाब दिया। तो फिर आप एमपी एमएलए बनके काम ना, हमें नहीं जाना वहाँ पे, जाने में क्या बुराई है? अब के एंकर जाएंगे उसमें, हमने डिसाइड करा के अब के एंकर जाने चाहिए।
वे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं नहीं क्वेश्चन कर, अरे जाना चाहिए ना भाई, आपके एंकर का ठीक मौका है। आप अनाज उगाते हैं, आप उसको बेचते हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। अरे आप इतनी मेहनत, आप इतनी मेहनत पैसे कमाते हैं, आप उतनी मेहनत भी नजर लगा रहे हो, आप उतनी मेहनत करते हो भाई। ये जो राजनीति का वो है ना सेहत, उसकी एक चम्मच आप भी लेकर देख लो, आप इतनी मेहनत करते हो। आपने तो ली है ना चम्मच, हमने ली थी, कड़वी थी, मैं कह रहा हूँ की अब मीठी हो जाएगी। मीठी नहीं है अब तो भाई, की बात हो रही है। तजर्बा तो मीठा होता है, पॉलिटिकल तजर्बा ले लिया हमने। हमको देश ने कहा कि आंदोलन करो, इलेक्शन में मत जाओ, हमने जनता की बात मान ली। आपका जिस जिसको तजर्बा लेना भाई वो चला जाओ। न्यूज नेशन पर एक डिबेट में दीपक चौरसिया ने गेस्ट से सवाल किए, जब वे जवाब देने लगे तो एंकर ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद गेस्ट ने एंकर की ही क्लास लगा दी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सरकार के तलवे चाटने वालों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी जा रही है। सिर्फ यही रीजन है कि पिटिशनर इस तरह की पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि जल्दी से बीजेपी में कोई पोस्ट मिल जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे जुबानी जमा खर्चा मत समझाइए। वो लोग इस देश में माइनोरिटी कैसे, जिन्होंने देश का बंटवारा किया, इसका जवाब दीजिए। सरदार पटेल ने कहा था वो लोग इस देश में माइनोरिटी कैसे, जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। वहाँ पे क्या उस कौम को, क्या उस मजहब को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है जिसने देश का बंटवारा किया? तलवे चाटते चाटते कि हिंदुस्तान को बेचने पे आ गए आप लोग। देखिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखिए। और सवाल का जवाब सवाल से होता है, सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता है। जो पिटिशनर है आर्टिकल 14 पे रिलाई कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात करता है। पीपल ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 पे रिलाई कर रहा हूं मैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया और सब बराबर है उसमें। आप दीपक चौरसिया की डिबेट पर जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.